दरवाजे पे जाइए तो 100 बार सोचना पड़ता था कि अगर पर्दा हटा के वीडियो साहब के चेंबर में जाएंगे तो वीडियो साहब का तो क्या काम है, तो लोग चुप के मार चुपचाप डर के मारे पीछे घुस जाता था। लेकिन आज वो दौर है कि मनीष का सबका आज ब्लॉक में जाके देखिए वीडियो साहब के सामने आंखों में आके डाल करके बच्चे कहते हैं कि अपना इंदिरावास में घूस का पैसा क्यों लिया है, जवाब दीजिए इस बात का। ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछने के तरीके कह रहे थे कि जे जे यात्रा में जाइए ओकर फोटो खिंचाई, जेकर जेकर फोटो खिंचाई वो मोतिहारी जेल में जरूर जाए। लोग कह रहे थे इस बात को कि सड़क पे चलते जिसका जिसका वीडियो फुटेज आएगा उन लोगों को जेल में डाला जाएगा। उस मनीष कश्यप ने बिहार के लिए क्या किया है, गौर से सुनिएगा, हम तो बताने जा रहे हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि मनीष कश्यप ने बिहार के लिए क्या किया है, तो उन तमाम लोगों के सवाल का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप ने बिहार के लिए क्या किया वो मुझे नहीं पता, मनीष कश्यप को भी नहीं पता, उनके माता पिता को भी नहीं पता, लेकिन बिहार के एक एक बच्चा और नौजवान को, गरीब को और मजदूर वर्ग के लोगों को ये पता है कि मनीष कश्यप ने इतने दिन के पत्रकारिता में बिहार के लिए क्या किया है और बिहार के गरीबों को और नौजवानों को कितना ताकत दिया है, ये सोचने का बात है। सबको पता था कि सरकारी अधिकारी के पास, BDO CEO के पास, DMSP साहब के पास भी जाके सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन पहले कोई सवाल पूछता था क्या? नहीं। सवाल पूछता था पहले कोई? नहीं। दरवाजे पे जाइए तो 100 बार सोचना पड़ता था कि अगर पर्दा हटा के वीडियो साहब के चेंबर में जाएंगे तो वीडियो साहब का तो क्या काम है, तो लोग चुप के मार चुपचाप डर के मारे पीछे घुस जाता था। लेकिन आज वो दौर है कि मनीष का सबका इतना प्रेरणा लोगों को मिला, युवाओं को मिला, कि आज ब्लॉक में जाके देखिए वीडियो साहब के सामने आंखों में आके डाल करके बच्चे कहते हैं कि अपना इंदिरावास में घूस का पैसा क्यों लिया है, जवाब दीजिए इस बात का। ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछने के तरीके कहां से पैदा हुआ भाई, किसी एक को तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। भले मनीष भाई ने शुरुआत किया, जेल चले गए, इस बात का हमें थोड़ा भी तकलीफ नहीं है, बस बशर्ते तकलीफ तो इस बात का है कि एक एक करके एक ही व्यक्ति को इतने तरीके से पूरी तरीके से दबाया गया, जिसे साफ तौर पे यह दर्शित होता है कि बिहार की निरंकुश सरकार ये चाहती है कि बिहार में कोई भी ऐसा माँ ऐसा शेर बेटा पैदा नहीं करे जो इस सिस्टम के खिलाफ बोले, नेताओं की आंखों में आके डाल के सवाल पूछे, उस ठेकेदार से सवाल पूछे जो ठेकेदार मंत्रियों को परसेंटेज पे पैसा देकर के मुंह बंद करवाता है और गांव में थोड़ा से गलत काम करता है, ये चाहती है बिहार की सरकार। लेकिन एक बात तो फिक्स है, इससे पहले मोतिहारी में भी रैली हुआ था, वहां पे शायद आप लोगों से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, जितने सारे लोग गए होंगे देखे होंगे, बिहार के अलग अलग कोना से, तो बात छोड़ दीजिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता पंजाब न जाने कहां कहां से भी लोग उस रैली में, एक दुखे आए भाई आए तो सही, वो लोग भाड़ा देकर भाड़ा लेके थोड़े आया था, सब लोग अपने पैसे से, ये भाई साहब है आरा से आए हुए हैं, हमको देखते वो लोग कहने लगे रोने लगे, हमको देखते देखते अभी बाहर की बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इन किया कह रहा था कि भैया हम आपसे अनिकेत रंजन से रवि भट्ट से इन लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए, हम आरा से आया, जरा सोचिए कि आरा कितना दूर है, इतना गर्मी में लोग अपना काम छोड़ के घर में बैठा हुआ है, और ये भाई साहब को मनीष कश्यप से इतना प्यार है कि उनके जन समर्थन रैली की शुरुआत के लिए उनके घर पे आरा से चले आए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चीज है, और सबसे बड़ी है देखिए ये भाई साहब आरा से आए, अब बताइए इनके लिए ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इनके लिए कम से कम ताली होना चाहिए, भाई साहब आरा से आए, कहाँ से आए, कह रहा हूँ आपका अब बताइए कि इनके लिए आप क्या कहेंगे, भाई साहब आरा से आ गए हैं, आरा से आ गए यहाँ पे, और ये जो है आरा से आकर के भी इस रैली को समर्थन दे रहे हैं, आखिर ये जन समर्थन यात्रा जो निकाला जा रहा है इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, जब मोतिहारी में जन समर्थन यात्रा होना था अनिकेत रंजन भाई ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया था उसके बाद ये पूरा चर्चा का विषय पूरे बिहार में बन गया था, उसके बाद बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि जे जे यात्रा में जाइए ओकर फोटो खिंचाई, जेकर जेकर फोटो खिंचाई वो मोतिहारी जेल में जरूर जाए, लोग कह रहे थे इस बात को कि सड़क पे चलते जिसका जिसका वीडियो फुटेज आएगा उन लोगों को जेल में डाला जाएगा, उस दिन का वीडियो देखिएगा, वीडियो में सबसे पहले हम हमारे साथ कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो डर इस बात का नहीं कि हम जेल चले जाएंगे, हमें तो खुशी इस बात का है कि जेल जाने के बाद भी अगर बिहार के सिस्टम में सुधार आता है तो मनीष कश्यप ने अगर गरीबों का आवाज उठा करके गलती कर दिया सरकार के नजर में वो गुनाह है, तो वो गुनाह हम भी करना 100 बार स्वीकार करेंगे और मुझे भी जेल में डाल दीजिए आप, हमें डर इस बात का नहीं है, हमें डर इस बात का नहीं कि हम जेल चले जाएंगे, जब सुबह में 7 बजे जगी है और कपड़ा धोकर कपड़ा उपड़ा पहन करके जब घर से कभी बिना खाना खाए भी निकल जाइए तो माँ की आंखों से आंसू निकल जाता, माँ कहती है कि बेटा इतना तू काहे करता रहा, ऐसा नहीं कि मेरा ही माँ कहते है, जितने सारे लोग माइक लेके चलते हैं सबकी माँ कहती होगी, मनीष भाई की भी माँ कहती थी, मनीष भाई तो अपने माँ से 6-6 महीने तक बात नहीं करते थे,
घर पे नहीं आते थे, तो उस समय आदमी के जीवन में एक ही सवाल होता है कि हो सकता है कि एक मेरे माइक उठाने से अगर बिहार के सिस्टम में बदलाव आ जाए तो हम एक बार नहीं 100 बार माइक उठाने का प्रयास करेंगे, और हर जन्म में हम पत्रकार नहीं यूट्यूबर बनने का प्रयास करेंगे कि कम से कम किसी के तलवे चाट के न तो पैसे कमाएंगे नहीं अपना फॉलोअर बढ़ाएंगे, अपने बलबूता क्षमता और करप्ट सिस्टम से लड़ करके फॉलोअर भी बढ़ेगा, पैसा भी कमाई होगा और लोगों के नजर में हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। लोग ये कहते हैं कि ये यूट्यूबर है, लोग सीधी सी आज भी जाइए, एक वीडियो मैंने करने गया था ढाका प्रखंड का, आप लोगों ने साथ फेसबुक के माध्यम से देखा भी होगा, एको कर्मचारी साहब को छोड़िए भैया रहने दीजिए, माइक बंद रहने दीजिए, एक कर्मचारी साहब को घूस का पैसा लेते हुए रंगे हाथ हम लोगों ने पकड़ लिया था। जब पकड़ लिया तो बिना सूचना का हम लोग सीधा कैमरा माइक चालू किए उनके दफ्तर में घुस गए। कहानी सुनिएगा 2 मिनट का लेकिन बड़ा दिलचस्प है। जैसे कर्मचारी के सामने गए उसके बाद जैसे माइक निकाल के पूछा सर आपने कितना पैसा लिया है एक पारिवारिक सूची बनाने का, कर्मचारी का तो आंख खुला का खुला बंद का बंद, सांस भी उसका अटक गया था गर्दन में, सांस भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। बगल में जितने लोग काम कर रहे थे बारी बारी से निकल के तमाम लोग जो वहां से चले गए। फिर कर्मचारी से मैंने जो कुछ सवाल पूछना था पूछा, कर्मचारी बेचारे तो डर गए थे, ऐसे समझिए कि नीचे से उनकी सारी चीजें हो गई थी। बाकी हम सीओ मैडम के पास गए, जब सीओ मैडम के पास गए तो सीधे सीओ से थोड़ा सा हम सोचे कि बात कर लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं कि वीडियो बनाना है, क्योंकि लोग केस करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है, बेमतलब का केस कर देगा, सवाल सही था लेकिन केस हो जाएगा। जब सीओ के पास गया था सीओ मैडम कह रही हम बोले कि आपसे एक इंटरव्यू हमको लेना है, तो बोली किस चीज पर हमको बाइट कर दीजिए कि आपका कर्मचारी जो है घूस का पैसा लेते पकड़ा गया, कह रहा कि 500 रुपया लेता है तो 300 तो सीओ मैडम को ही दे देते हैं, बचा 200 तो 100 हम रख लेते हैं और 100 रुपया किरानी साहब को दे देते हैं, इस पे ही आप सबको बाइट लेना है। तो पूछ रही है हमसे आप यूट्यूबर है क्या, जरा सोचिए अगर उस सवाल अगर किसी से भी पूछा जाए, बंदूक लेकर के आप किसी के सामने जाइए पूछेगा आप पुलिस है का, जब माइक देख रहा तो उसको पता होना चाहिए ठीक है यूट्यूबर है चाहे कुछ है तो सवाल पूछना है ना, तो बोली कि हम आपके कैमरे पे नहीं बोलेंगे कहे कि आपके पास पत्रकारिता का लाइसेंस नहीं होगा, हमको पता है आपके पास किसी प्रकार का RNI लाइसेंस नहीं होगा इसलिए हम आपको बाइट नहीं देंगे। फिर मैंने अपना माइक धड़ल्ले से हटाया, बोला कि मैडम अब माफ कीजिए हम इस भारत के आजाद नागरिक हैं और आजाद नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हम आपसे सीधा कड़वा सवाल कर सकते हैं और उसको कैमरा में रिकॉर्ड करके अपनी अभिरक्षा के लिए रखेंगे ताकि बाद में आप ये न कहिए कि आदमी जो है हमारे दफ्तर में आके मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब आप बताइए कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। देखिए लोगों की समस्या दिखाने के लिए कभी कभी हम लोगों को झुकना भी पड़ता है, हमें झुकना भी पड़ता है, लेकिन मैं वहां पे झुका, मैंने एक्सेप्ट किया ठीक है मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं यूट्यूबर भी नहीं, लेकिन आम नागरिक को अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं। फिर भी बोली नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसको पता था कि आदमी सीधा सवाल पूछेगा कर्मचारी आपको 300 रुपए क्यों देता है और वीडियो रिकॉर्ड में आपका नाम क्यों ले रहा है, उनको पता था ये सवाल पूछा जाएगा। फिर वो बोली कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, मैंने कहा अगर बात कीजिएगा तो केवल ये सवाल पूछेंगे, नहीं कीजिएगा तो मनीष भाई की तरह आपके पर्दा के बाहर खड़ा होगा चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि अंदर जो औरत बैठी हुई है भ्रष्ट है करप्ट है लुटेरी है और ये लूटती है जनता को और 300 रुपए लेकर के पारिवारिक सूची बनाती है और उसमें भी एक विकलांग व्यक्ति से बिना पैसा लिए 10 बार दौड़ाया और बिना पैसा का काम तक नहीं करने दिया। जब ऐसे चिल्ला करके मैंने कहा ना तो मैडम बोली बैठ जा कुर्सी दे दी बैठ जाओ चाय पी लो नाश्ता कर लो, हमने बोला कुछों का जरूरत नहीं है आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फिर बोली ले लीजिए माइक निकाला इंटरव्यू लिया वीडियो बनाया 7 मिनट का वीडियो बनाया, जाते समय मैडम कहने लगी आप थोड़ा सा एक बार नंबर दे दीजिए हम आपसे मिल लेंगे मोतिहारी में, तो आप समझ गए होंगे मिलने का मतलब क्या होता है, मिलने का मतलब क्या होता है भाई साहब सबको पता होता है, अगर हम वीडियो कर लिए और सामने वाला आदमी डायरेक्ट कहता हो कि संजीत हम आपसे मिल लेंगे तो मिलने का मतलब यह है कि पैसा देके संजीत कुशवाहा का मुंह बंद करवाने का प्रयास किया जाएगा।